नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, सेकंड चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ पर्ण पुष्प एवं बीज की संरचना सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, विदुर फल टूटता है, किससे टूटता है? बहुत से एकबीजी भागों में, ठीक है, बहुत से एकबीजी भागों में टूटता है। नींबू के फल में पाई जाने वाली रोम सदृश सरस संरचनाएं किसमें से विकसित होती है? किसमें से होती है? अंतः फलक भित्ति में से। निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील भाग एरिल होता है? किसमें होता है? लीची में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में रखने पर बीज फूलते हैं, किस कारण से फूलते हैं? अंतः शोषण के कारण, ठीक है। आरजीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, किसमें की जाती है? सरसों में की जाती है, सरसों जैसे दिखते हैं ये। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किसका पाया जाता है? मूंगफली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनी विधि से प्रकीर्णन पाया जाता है, इनमें से किसमें पाया जाता है? चौलाई में। जेरेनियम में प्रकीर्णन होता है, किस विधि से होता है? विस्फोटक विधि से। पुष्प आरेख से पता नहीं चलता है, किस चीज का पता नहीं चलता है? अंडाशय की पुषा पुष्पक पर व्यवस्था का। साई एथियम पुष्प क्रम में नर व मादा पुष्प का अनुपात होता है, अनेक और एक का अनुपात होता है। लोमेंटम एक प्रकार का है, क्या है लोमेंटम? फल है। थॉर्म स्पाइन्स एंड पिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? रक्षात्मक अंग होते हैं ये पौधे में। फिर देखो, द्विसंधि पुंकेसर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फेबेसी में। कंपोजिटी मूल के सदस्यों में पेराशूट विधि से फल तथा बीजों का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पेपस। सत्य मिलान को पहचानिए, कौन सा सत्य मिलान है इसमें से सही कौन सा है? सरसों वाला है, सरसों एकांतरित पर्ण विन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्युअंडपी युक्तांडपी कूटपट वाले अंडाशय से कौन सा फल विकसित होता है? कौन सा फल विकसित होता है? सिलिकुआ। पुंकेसर नलिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? हिबिस्कस में। हिबिस्कस में चिरलग्न बाह्य दल पुंज किस फल के चारों ओर आच्छादित पाए जाते हैं? किसके? एग रेटम कोनी जोइडस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बीजों को जोहरी गांठ के रूप में तोलने में काम में लेते हैं? किसके बीजों को जोहरी, जो बाट के रूप में, बाट होते हैं ना, तोलने के रूप में काम में लेते हैं, किसके बीजों को लेते हैं? एब्रस प्रिकेटोरिस के बीजों को, एब्रस प्रिकेटोरिस के बीजों को। पुष्प आरेख प्रदर्शित करता है किसका, किसको प्रदर्शित करता है? पुष्प में पुष्पांगों की संख्या तथा व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाती बाह्य दल पुंज किस कुल की विशेषता है? किस कुल की है? सोलेनम सोलेनेसी की। किस वंश के पौधों से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? किससे की जाती है? एट्रोपा से। कोर छादी विन्यास पाया जाता है, किसमें? लिलिएसी में। रेफेनस का कुल है, कौन सा कुल है रेफेनस का? क्रूसीफेरी। मालवेसी कुल का वह लक्षण जो सोलेनेसी कुल में पूर्णतः अनुपस्थित होता है, कौन सा लक्षण है ऐसा? एक पाली परागकोष, एक पाली परागकोष। तो देखो, ये राजस्थान लैब असिस्टेंट के जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका सेकंड पार्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।